हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट वॉरियर SMP। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बनाने वाले गोल्ड XP फार्म, जो कि बहुत बढ़िया वर्क करता है। उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ेगा स्टोन बिक्स लगाकर 26 ब्लॉक्स अप। लेकिन उसके बाद आपको बता देता हूँ, हम घर से थोड़ा बहुत दूर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हम जरा मतलब प्लेन एरिया ढूंढ रहे थे, तो यही सही अच्छा लगा हमें। तो मैं जल्द से 26 ब्लॉक्स अप चले जाता हूँ। तो यहाँ पे हो गए थोड़े सी बच्चे वैसे। ओके, तो अब मैं आ चुका हूँ गाइस। तो ओके, एक तोड़ना था। उसके बाद मुझे चाहिए कुछ ऑब्सीडियंस, तो मैं लेकर आ चुका था, मतलब इधर से लावा को बुझा बुझा कर मतलब मैं लेकर आ चुका था। तो अब मुझे जाना है 20 ब्लॉक्स मतलब ऑब्सीडियन की लेयर लेकर उधर तक। तो जल्द से चलते 26 ब्लॉक्स मतलब 20 ब्लॉक्स। ओके, तो मैं आ चुका 20 ब्लॉक्स लेकर। तो अब मुझे लेना है यहाँ पे एक स्टोन ब्रिक, जो 21th ब्लॉक के उस पर आपको लगाना है एक स्टोन ब्रिक, या फिर आप कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आपको वो लगाना है। तो उसके पहले अब आपको क्या करना है पहले कि एक सेकंड, मेरे से गलती होगी, मैंने मतलब गिना नहीं हूँ कितना ऑप्शन लगाया। तो मैं जल्द से पहले तोड़ देता हूँ। ओके, ये भी तोड़ देता हूँ। ओके, तो गाइस वैसे मैंने तोड़ दिया है। तो अब जल्द से पहले मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 हो चुके हैं। तो अब इसे भी 20 ब्लॉक्स अप लेकर जाना है, और 21th ब्लॉक पे आप जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ कर रहे होंगे आपको वो लगा देना है। मैं तो स्टोन ब्रिक लगाऊंगा। ओके, तो हो चुका है। उसके आपको फिर से वहाँ तक मतलब पूरा एक नेदर पोर्टल बनाना है आपको। तो आपको जल्द से उधर तक भी लेकर जाना है। तो हम भी जल्द से लेकर चलते हैं। तो वैसे आपने मतलब पहुँचने वाला हूँ वहाँ तक। ओके, तो मैं इधर तक पहुँच चुका, तो मैं नीचे उतरता हूँ। अरे डैमेज पड़ गया। तो यहाँ से भी वैसे ही 20 ब्लॉक्स अप, और 21th ब्लॉक पे एक स्टोन ब्रिक। तो वैसे ही करना जैसे वहाँ पे किया था। तो जल्द से कर लेते ये भी। ओके, मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टोन ब्रिक, ओके पानी है ना। ओके, तो पानी भी था, रुदांश भी हमारे साथ वैसे, तो सही है। तो ये काम हो चुका है गाइस। तो गाइस ये रहा मेरा एक नेदर पॉटर रूम, जो कि मैंने बनाया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो सेव नहीं हो पाई, इसलिए वो मतलब आ नहीं पाई उसकी वीडियो। तो वैसे सही है। तो अब हम गोल्ड फार्म पे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक वाटर बकेट है। ओके, तो मैं लावा और मतलब ग्लासेस वगैरह लेकर आ चुका था, तो वो मतलब टाइम लगा था इसलिए मैं दिखाया नहीं। तो अब मैं थोड़ा बहुत ऊपर चलना है यहाँ से। तो जल्द से ये लगाते, टेराकोटा है तो वो लगाते हैं और चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा इधर। ओके, तो अब मुझे इस क्या करना है, इसे देखना है कि पिगलिंस किस साइड में आते हैं मतलब मरते हैं। तो आज हमने देखा तो मतलब पिगलिन जहाँ पे रुदांश है उस साइड से मतलब वो स्पॉन हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। तो सही है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, जो ये वाला ब्लॉक है वहाँ पे लगाना है आपको एक स्टोन ब्रिक, जो भी आप यूज़ करेंगे वो, और ये पूरा मतलब नेदर पॉटर को कवर कर देगा इधर से, वो मतलब फुल स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस वैसे हमने कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, पहले थोड़ा ऊपर जाना है इधर से और यहाँ पे रुकना है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, उधर से मतलब स्टार्ट करता हूँ। तो उधर चलते हैं पहले। ओके, तो इधर आ चुका हूँ मैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक स्टोन ब्रिक लगाना है एक ब्लॉक अप, और ये भी कंटिन्यू। तो गाइस वो तो हो चुका है। तो गाइस अब हम क्या करना है, जो ये वाली नेदर पॉटर की नीचे की लाइन है वहाँ पर भी आपको जो मतलब मैं स्टोन ब्रिक्स लगाना है, तो मैं जल्द से स्टोन ब्रिक्स लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली पूरा हो चुका है कंप्लीट। तो पहले मैं अब डर्ट तोड़ देता हूँ ये। ओके, ओके गाइस जैसे मैं डर्ट तोड़ जाऊँ, देखो गाइस पिगलिन भी एक नीचे गिर चुका है उधर उस साइड से। तो वैसे ऐसे ही हमें मतलब नकट और रॉटन फ्लैश भी मिलते जाएगा, ऐसे सही है। तो अब मुझे थोड़े बहुत ऑब्जर्वर्स चाहिए। तो गाइस मैं जल्दी से जाता हूँ और कुछ ऑब्जर्वर्स लेकर आता हूँ। तो गाइस अब वैसे वो बारिश भी शुरू हो गई। तो वैसे मैं 35 ऑब्जर्वर्स लेकर आ चुका हूँ, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कूदता हूँ। ओके, तो गाइस अब मैं जल्दी से पीछे की साइड से मतलब चढ़ता हूँ ऊपर। तो ओके, ये आ चुका हूँ मैं। तो अभी इधर से जल्दी से ऊपर चलते हैं। गाइस तो अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो अब मुझे करने कुछ मतलब यहाँ पे लाइन टाइप बनानी है पहले, मतलब मैं अच्छे से ऑब्जर्व रख सकूँ इसलिए।
तो मैं यहाँ तक एक बनाता हूँ और वहाँ से भी बनाता हूँ मैं। ओके, तो पे दर्द कम पड़ गई तो ये लेता हूँ और यहाँ पे ये लगा लेता हूँ। ओके, बस ये हो चुका है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, ये वाले साइड से मैंने देखो और 34 ऑब्जेक्ट्स लेकर आ चुका हूँ मैं। तो जो ऊपर की, अरे ये टूट चुका है एक सेकंड। ओके, तो जो ऊपर की लेयर है उस पर आपको लगाना है एक ऑब्जर्वर। तो मैं यहाँ पे भी एक लगाना था ऑब्सीडियन के मतलब पीछे, तो हो चुका है। तो अब मैं जैसे ले लेता हूँ ऑब्जर्वर, लेकिन उसके पहले मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो आपको जो उसका रेड डॉट है वो पीछे की साइड से आना चाहिए और जो उसका फेस है वो मतलब अंदर की तरफ आना चाहिए। उसके आपको 6 ऑब्जर्वर्स आगे तक लेकर आने, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ओके, तो ये 6 ऑब्जर्वर्स आगे आ चुके हैं। तो अब मुझे करना है थोड़ा मतलब वहाँ पर चलना है। ओके, यहाँ से थोड़ा इधर। ओके, तो मुझे ऊपर की साइड से देखकर एक ऑब्जर्वर लगाना है ऐसे, मतलब उसका रेड डॉट यहाँ पे और जो उसका मतलब फेस है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। लेकिन अब मुझे एक नीचे ऑब्जर्वर लगाना है, इसलिए मुझे अब नीचे चलना पड़ेगा। तो मैं गाइस जैसे नीचे चल लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अब वैसे मैं आ चुका हूँ। तो ये रहा ऑब्जर्वर, तो उसका मुंह देखो आप मतलब ये यहाँ पे है और वहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वर लगा देना है जिसका रेड डॉट मतलब नीचे की तरफ है और उसका मुंह उस मतलब उस वाले मुंह के उस तरफ है। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से 6 ऑब्जर्वर्स लगा देने। तो मैं यहाँ पे जैसे और डॉट लगा देता हूँ। ओके, तो ये 2 हो चुके हैं, ये 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये 6 ऑब्जर्वर्स हो चुके हैं। फिर से आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे लगाना है ऐसे एक ऑब्जर्वर। ओके, तो वैसे ही लग चुका है फुल ऑब्जर्वर। तो अब मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कहाँ से जाओ। ओके, इधर से चलता हूँ मैं। तो इसके नीचे डट है क्या, एक सेकंड देखना पड़ेगा, वरना मैं सीधा नीचे चले जाऊँगा। ओके, डट है, तो ये मैं फिर से लगा देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से चलते हैं उस साइड में। तो जल्द से चल लेते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर ऐसे लगा देना है ऑब्जर्वर। ओके, तो मैं जैसे पहले उस यहाँ पर ऊपर चढ़ता हूँ। ओके, तो गाइस अब मुझे यहाँ पे लगा है 7 ऑब्जर्वर्स। देख गिली छू रहा है क्या। ओके, 1, 2, 3, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, 1, 2, 3। ओके, 4, 5, 4, 5 और ये हो गए 5 ऑब्जर्वर्स और ये 6, अरे गलत लग गया, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा। ओके, और ये हो गया 6 और ये 7। तो गाइस ऐसे लगा देना आपको। तो मैं जैसे ये तोड़ देता डट, ओके गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ। तो अब मुझे करना है गाइस जल्द से ऊपर चढ़ना है और मतलब यहाँ पे मुझे लगाना है, अरे यार मैं नीचे गिर गया। ऊपर चलते गाइस फिर से। गाइस तो अब मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ। तो अब मुझे करना है जो ऑब्जर्व की ये वाली साइड है वहाँ पे आपको लगा देना स्टोन ब्रिक। ओके, ये लग चुका है। तो अब मतलब पूरी लेन खींच देनी है स्टोन ब्रिक से। तो जैसे कर लेते हैं। तो गाइस वैसे अब मैंने कर लिया स्टोन ब्रिक से लेयर कंप्लीट। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ। ओके, तो अब मुझे करना है यहाँ पे ले लेने कुछ स्टोन ब्रिक्स और मुझे कुछ ऐसे लगाने मतलब 2 ब्लॉक की हाइट तक मतलब पूरा उधर तक कवर कर देना है जहाँ पे वो वाला मतलब पूरा एंड होता है नेदर पॉट। तो जल्द से कर लेते हैं। गाइस तो अब मैंने कर लिया है। तो अब मुझे करना है यहाँ पे एक और लेन ऐसी खींच देनी है मतलब ये वाले साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मतलब पूरा जो एंड हो रहा है नेदर पॉट वहाँ तक पूरी खींची देनी है ये वाली लाइन। तो मैं जल्द से कर लेता हूँ। ओके, तो ये भी हो चुका है। तो मैं पहले जल्दी से यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ के चलता हूँ बाहर। ओके, ये तोड़ लो। ओके, तो अब मैं आ चुका हूँ गाइस। तो आज अब मैं कुछ ट्रैपडोर्स बनाकर लेकर आ चुका हूँ। तो आपको लगानी ये वाली साइड अंदर की साइड आना और वो वाले स्टोन ब्रिक पर आपको लगा देनी है। तो मैं जैसे लगा लेता हूँ और इसे ओपन भी कर देना आपको बाद में। तो मैं जल्दी से ओपन भी कर लेता हूँ। ओके, ये भी। तो मैं तो गाइस अब मैंने ओपन कर लिए। तो अब मुझे यहाँ पे एक और रख देना है। ओके, तो अब मैं नीचे उतर जाता हूँ ये डर्ट तोड़ कर। ओके गाइस, तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ। तो अब मुझे करना है जो नेदर पॉट की ये वाली साइड है वहाँ पर आपको आना है। तो गाइस अब मैं फिर से आ चुका हूँ। तो अब मुझे थोड़ा बहुत ऊपर चलना है। तो मैं ऊपर आ चुका। तो गाइस अब मुझे करना है यहाँ पे
फोर स्टोन ब्रिक्स मतलब 8 स्टोन ब्रिक्स लगाने हैं कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे आता हूँ। ओके तो अब मुझे यहाँ पे और दो लगाने हैं और यहाँ पे भी और दो, तो अब मैं थोड़ा नीचे उतरती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मुझे लगाने और दो। ओके तो ये हो चुका है गाइस, तो जल्दी से नीचे चलते हैं। तो अब मैं ये वाले साइड में आ चुका हूँ, तो गाइस अब मुझे करना है ये वाले साइड में आकर ये वाला स्टोन ब्रिक तोड़ना है। ओके तो मैं जैसे तोड़ देता हूँ, अरे नहीं सॉरी ये वाला नहीं। तो गाइस मैं गलत आ गया, एक सेकेंड मुझे वो वाले थोड़ा नीचे जाना है इधर से, तो यहाँ पे आते आते थोड़े। ओके तो ये वाले साइड में आना है मुझे, तो मैं पहले जल्दी से इधर से ऐसे चल देता हूँ। ओके तो मैं आ चुका हूँ, तो मुझे ये वाला मतलब स्टोन ब्रिक तोड़ना है, और जो आपको आगे वो स्टोन ब्रिक दिख सकते जो हमने लगाए थे वहाँ पे आपको लगा था एक डिस्पेंसर जो कि ये वाले साइड से फेस कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा तो आपको मतलब अच्छे दिख रहा होगा तो मतलब बता देना। तो अब उस पर रखना है मतलब आपको एक वाटर बकेट, और यहाँ पर रख जाना एक स्टोन ब्रिक। तो अब मुझे यहाँ पर पहले मैं डर्ट तोड़ देता हूँ। ओके तो आज डर्ट तोड़ते डरते जल्दी से चल देते हैं। गाइस अब मैंने वैसे डर्ट तोड़ लिए, तो वैसे वो भी बची वो भी तोड़ लेते जल्दी से। गाइस अब मैंने तोड़ दिया वो वाले डर्ट, तो मुझे थोड़ा ऊपर आना है यहाँ पे, और आपको दिख रहा हो वो देखो डिस्पेंसर। तो अब आपको लगाना है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, जो उसका मतलब जो रेड मार्क है वो आपको ये वाले साइड से बाहर वाले साइड से चाहिए, और जिसका मुँह है वो अंदर वाले। तो अब मैं जैसे नीचे चल लेता हूँ इधर से। ओके तो और चलते हैं यहाँ पे। ओके तो वैसे अब मैं नीचे आ चुका हूँ, तो ऐसे यहाँ पे मतलब ब्लैक स्टेन ग्लास है क्या, नहीं है। तो वैसे मैं जल्दी से चल लेता हूँ मतलब यहाँ पर घर पे, और कुछ ब्लैक स्टेन ग्लास बना कर लेकर आ जाता हूँ। तो वैसे मैं कुछ ब्लैक स्टेन ग्लास बना कर नहीं लेकर आया, आपको पता हो कि हमारा टावर है उसमें भी मतलब ब्लैक स्टेन ग्लास यूज़ थे, इसलिए मैं 3 स्टैक वहाँ से लेकर आ चुका हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका था, एक्स्ट्रा बचे थे इसलिए अब मैंने ये ला लिए। तो अब मुझे थोड़ा ऊपर चलना है गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक ब्लैक स्टेन ग्लास लगाना है और एक पूरी लाइन खींच देनी है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इधर से। ओके तो मतलब आपको स्टोन ब्रिक के जो अटैच करके लगाना है जो नेदर पोर्टल के नीचे है, तो मैं जैसे कर देता हूँ। ओके तो गाइस ये हो चुका है, तो ऐसे आपको कर देना है और मतलब पूरा कवर कर देना है, तो यहाँ पे 3 मतलब हाइट मतलब ब्लॉक के हाइट पर चलना है आपको। तो गाइस मैं जल्दी से कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। गैस तो अब मैंने कर लिया है, तो बाद में कुछ इस तरह से लगेगा। अब मुझे थोड़े मतलब वाटर बकेट लाने हैं, 2 वाटर के बकेट, तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं जल्दी से घर पे चलता हूँ और 2 वाटर बकेट लेकर आ जाता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं। तो गैस अब मैं वैसे 2 वाटर की बकेट नहीं नॉर्मल बकेट लाऊँ, तो यहाँ से मैं जल्दी से ले लेता हूँ, वैसे डांच भी ज्वाइन हो चुका है वैसे ही है। तो अब मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर चले जाना है कुछ यहाँ से। ओके मैं ऐसे गाइस जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ डट लगा कर। गाइस तो अब मैं पहुँच चुका, तो यहाँ पे मुझे कॉर्नर में वाटर बकेट डालनी है, और वो वाले कॉर्नर में आपको मतलब एक वाटर बकेट डाल देनी है, तो ये ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैंने डाल दी। ओके तो अंदर 3 ब्लॉक्स की गैप बच गई। ओके ये बच गई, तो अब यहाँ पे आपको ये तोड़ देना है, मैं सिल्टर से तोड़ता हूँ मतलब मुझे बाद में फिर से मिल जाएंगे। ओके तो ये टूट चुका है, तो मैं जल्दी से पहले नीचे चल लेता हूँ। वो देख वो मर भी गया मैग्मा ब्लॉक के ऊपर हो। बस अब मुझे करना है यहाँ पे पूरा नीचे तक मतलब ये लाइन है वो खींच देनी, इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा और इसलिए मैं मतलब वीडियो कट कर दूंगा वैसे, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो बस अब मैंने पूरी लाइन वो खींच दी नीचे तक, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, जल्दी जल्दी से गाइस कर लेते हैं। ओके तो मैंने आधा मतलब आधे से ज़्यादा काम तो कर ही लिया, तो मतलब आपको सिर्फ नीचे तक लेकर आनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ऐसे कर लेता हूँ। ओके तो ग्लास कम पड़ जाएंगे तो मुझे फिर से लाने पड़ेंगे। ओके तो ये हो चुका गाइस, तो अब मुझे थोड़े चेस्ट और हॉपर लाने, तो मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। तो पहले मैं डर्ट तोड़ देता हूँ। तो गाइस अब मैं पहले जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ, तो ऊपर भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन पहले मैं चेस्ट में ग्लासेस और मतलब जो इन्वेंट्री फुल करे वो मैं रख देता हूँ।
तो ये ग्लासेस में रख देता हूँ, ओके, और ये लैंटर्न भी रख देता हूँ, ओके। तो अब मुझे जल्दी से ऊपर जाना, तो गाइस मैं जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ, ओके। तो अब मैं ऊपर गाइस आ चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक डॉट लगानी है, और जो ये ऑब्जर्व है वो गलत लग गया था, इसलिए मुझे तोड़ कर फिर से लगाना है। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे चल लेता हूँ, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। तो ओके, थोड़ा मैं नीचे आ चुका, तो यहाँ पे एक मतलब डट का ब्लॉक लगा देता हूँ, ओके। तो अब मुझे ये वाले दो तोड़ देने ऐसे। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अब मुझे लेना एक ऑब्जर्वर जो गलत लग गया था, तो अब मुझे कुछ ऐसे लगाना है, मतलब उसका जो मुंह है वो बाहर तक मतलब निकलना चाहिए, ओके, कुछ ऐसे। तो ये हो चुका है, तो पहले मैं डट तोड़ देता हूँ सारी, ओके, ये भी ये भी। तो गाइस जल्दी से डट तोड़ के नीचे चल लेते हैं। तो मैं गाइस जल्दी से डट तोड़ लेता हूँ, ओके। तो अब मैं वैसे नीचे पहुँच चुका, तो मैं डट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब चेस्ट और हॉपर लेकर आ चुका हूँ, तो ये दो चेस्ट और तीन हॉपर। तो वैसे अब मुझे इसके एग्जैक्ट ग्लास के नीचे लगाना है, ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। तो ये लग चुका है। तो अब मुझे थोड़े ग्लासेस चाहिए जो कि यहाँ पर है। तो अब मैं जल्द से ग्लासेस लेकर चलता हूँ और मतलब चेस्ट के ऊपर लगा देता हूँ ऐसे, ओके। तो चेस्ट खुलेगी वैसे तो भी, क्योंकि ग्लास लगा है। तो मुझे ऐसे करके तीन हॉपर्स लगा देने हैं, तो मतलब आपस में वगैरह जॉइंट होकर, चेस्ट से भी जॉइंट होकर रहेंगे। तो आपको जो ये वाली एरिया है वो आपको कर देनी है फिल, और ये भी, ओके। तो ये पूरा हो चुका है आधे से ज़्यादा काम। तो अब मैं जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ। तो गाइस अब मुझे करना है, पहले मैं थोड़ी लावा की बकेट्स लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं मतलब दो लावा की बकेट से कुछ नहीं होने वाला था काम, इसलिए मैं मतलब 9-10 मतलब लावा की बकेट लेकर आ चुका हूँ। तो मुझे ऊपर चलना है, तो बस अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो अब मुझे करना है, जो ये वाली एरिया है वहाँ पे मतलब मुझे लावा डाल देना है। तो मैं पहले अपनी सारी इन्वेंटरी में लावा ले लेता हूँ, ओके। तो अब मैं क्राउच होता हूँ, वरना मैं गिर गया तो मतलब गलत सीन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से लावा डाल देता हूँ, ओके, यहाँ पर और यहाँ पर भी और यहाँ पर, अरे नहीं लगा, ओके, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ओके। तो एक लावा की बकेट बच रही है, तो मैं ओके यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो ये पूरा हो चुका है गाइस। तो अब मैं जल्दी से नीचे चल लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इससे पहले एक ही इसमें कर देता हूँ, ओके। तो ऐसे नीचे चलते हैं, और गाइस तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है, 99.9% काम हो ही चुका है हमारा। तो अब मुझे सिर्फ एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसके हमारा पूरा गोल्ड फार्म वर्क कर देगा। वैसे तो अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगाना है, ओके। तो गाइस ये वर्क करने लगेगा, वर्क क्यों नहीं कर रहा, और सॉरी यहाँ पे जो रेड डॉट है वो उसके सामने एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, तो लग क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा शायद से, ओके, अब लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यार नहीं लग रहा, एक सेकंड, थोड़ा मुझे इधर से ऊपर चलना है, ओके, अब लग जाएगा, ओके। तो अब गाइस लग चुका है, तो बाद में कुछ इस तरह से वर्क करेगा, मतलब बंद चालू होएगा, और यहाँ से गिरेंगे पिगलिंग्स। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो अब मैं जैसे पहले नीचे चल लेता हूँ, ओके। वो देखो गाइस, वहाँ पे एक पिगलिंग नीचे गिरकर मर भी चुका है। तो ऐसे ही स्पॉन होते जाएंगे, और हमें अनलिमिटेड गोल्ड मिलते ही जाएगा, और रॉटन फ्लैश भी उसके साथ ही, वैसे सही है। तो गाइस अब वो देखो गाइस, और दो वहाँ पे आ चुके हैं, तो वो गिरेंगे और मतलब हमें गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा। तो ये देखो गाइस, तीन गोल्ड और रॉटन फिश सब आ चुके हैं, देखो गाइस, और कितने सारे आ रहे हैं। वैसे बहुत बढ़िया मतलब वर्क करते हैं ये गोल्ड फार्म, और जो कि हमारे बहुत सी ये बीकन बनाने के गोल्ड का। तो गाइस आज के वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।